नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय के अंतर्गत एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं प्रसव की। बच्चों, प्रसव क्या होता है आज हम लोग प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। प्रसव बच्चों, आपने देखा होगा ये जो चिन्ह बना रहता है ये आपका प्रसव का चिन्ह होता है, ठीक है। इसकी पहचान होती है प्रसव से। प्रसव बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन सर। प्रसव दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन सर। प्रति का मतलब होता है बटे में, कोई संख्या है अगर हम उसको बटे में लिखते हैं तो वो आपका प्रति कहलाता है, और सत का मतलब होता है 100। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या के बटे में, कोई संख्या है और उसके बटे में हमने 100 लिख दिया, ठीक, तो वो आपकी संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। जैसे मान लो कोई संख्या हमने एक्स मानी और एक्स के बटे में हमने 100 लिखा, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी एक्स प्रतिशत बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? एक्स प्रतिशत। मान लो हमने यहाँ पर 1% लिखा, कितना लिखा? 1%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/100। हमने कहा यहाँ 2% लिखो तो हमने 2 लिखा, इसका मतलब हो गया 2/100। हमने कहा 3% लिखो तो बच्चों 3% लिखेंगे तो 3/ कितना हो जाएगा? 100। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि वही हमने आपको अभी समझाया है कि अगर हम 1% लिखते हैं तो हमें इसको 1/100 लिखेंगे, अगर हमने कहा 2% लिखो तो इसको हम 2/100 लिखेंगे, अगर हमने कहा 3% लिखो तो बच्चों 3/100 लिख देंगे, हमने कहा 4% लिखो तो बच्चों 4/100 लिख देंगे, 5% लिखो तो बच्चों 5/100 हो जाएगा, 6% लिखो तो 6/100 हो जाएगा, 7% लिखो तो 7/100 हो जाएगा, और 8% लिखो तो 8/100। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हम लिखें अगर उसके बटे पूरे 100 लिख देते हैं तो वो संख्या आपकी प्रतिशत में बदल जाती है, तो ये आपकी संख्या प्रतिशत में कहलाती है। चलिए देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आइए देखते हैं हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। मान लो कि यहाँ पर 1/2 लिखा है, 1/2 को अगर हमें प्रतिशत बदलना है तो बच्चों 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या होगा? 100 से गुणा होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ 2 से हम 100 को काट देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा, तो ये बच्चों आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा यहाँ 1/3 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलो तो 1/3 × 100 करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा आपका, यानी कि 3 का आपको 100 में भाग लगाना होता है, तो भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा, या इसको हम 33.33% ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने कहा 1/4 को प्रतिशत में बदलो तो बच्चों 1/4 में गुणा कितने का करेंगे? 100 का। 100 का गुणा कराएंगे तो बच्चों ये 4 से कटेगा, 4 × 25 = 100 होता है, तो आपको कितना प्रतिशत मिलेगा? 25% मिलेगा। इसी प्रकार से हम 1/5 लिखें तो 1/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 5 से भाग लगाएंगे तो बच्चों ये 20% आ जाएगा। 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/6 × 100 करेंगे तो ये 16 सही 2/3% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बच्चों? यहाँ देखिए, आप भाग लगाएंगे 100 में 6 का, तो 6 × 6, 10 में से 6 गया 4 बचा, उतारा लिया 0 का, और 6 × 6 = 36, कितना शेष बचा? 4, 4 शेष बचा।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 सही 4/6। ये 16 पहले लिखेंगे, जो शेष आया इसको ऊपर लिखेंगे, जिससे हमने भाग दिया उसको नीचे लिखेंगे। अगर कोई संख्या, ये जो बटे में संख्या लिखी है, अगर कोई संख्या एक ही पारा से कटती है तो उसको हम काट देते हैं, यानी 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। इस प्रकार से 16 सही 2/3% आपका प्रतिशत में मान आ जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से हम 1/7 को प्रतिशत में बदलेंगे, तो 1/7 × 100 करेंगे। तो बच्चों जब इसको हम 7 का 100 में भाग लगाएंगे तो ये आपका 14 सही 2/7% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप इसका भी भाग लगा सकते हो। 100 में जब हम 7 से भाग देंगे तो बच्चों 7 × 7 बचेगा 3, 12 × 0 का 7 × 4 = 28। तो बच्चों शेष आया 2। जब शेष 2 आएगा तो इसको आप कैसे लिखोगे, यानी कि 14 सही 2/7। 14 सही जिसने शेष आया उसको ऊपर लिखना, जिससे हमने भाग दिया उसको नीचे लिखना। तो ये 14 सही 2/7% आपका प्रतिशत मान आ जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर 1/8 को लिखेंगे, 1/8 को प्रतिशत में, तो बच्चों 1/8 × 100 करोगे तो ये आपका 12.5% आ जाएगा। 1/9 लिखोगे और 100 करोगे तो ये आपका 11 सही 1/9% आ जाएगा। 1/10 करोगे तो 1/10 × 100 इसी प्रकार से आपका 10% आ जाएगा। 1/11 करोगे बच्चों तो 1/11 × 100 करोगे 9 सही 1/11% आ जाएगा। इसी प्रकार से आप बच्चों और मान निकालोगे और इनको मान अपनी कॉपी में लिखोगे, 1/13, 1/14, 1/15, ठीक है। और इसी प्रकार से 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 इतने मान आप लोग अपनी कॉपी में निकालेंगे, यानी कि 1/12 × 100 करेंगे इसका मान बताएंगे, 1/13 × 100 करेंगे इसका मान बताएंगे, 1/14 × 100 करेंगे इसका मान बताएंगे, 1/15 × 100 करेंगे इसका मान बताएंगे। इसी प्रकार से 1/16 × 100 करेंगे इसका मान बताएंगे, 1/17 × 100 करेंगे तो इसका मान बताएंगे, 1/18 × 100 करेंगे इसका मान बताएंगे, 1/19 × 100 कॉपी में मान सारे लिखेंगे, 1/20 × 100 करेंगे 5% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए और बाकी आपको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से भाग देकर इसे हल करके लिखना है। आए बच्चों पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। आपके सामने लिखा है 150% बराबर है। तो बच्चों 150 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में आप 100 ले लीजिए। और बच्चों यहाँ 0 से 0 जब आप काटेंगे तो 10 का भाग 15 में लगाएंगे। जो कभी भी आपको 10 और 100, 1000 ऐसे भाग लगाना हो, जितनी जीरो उतने अंक दशमलव लग जाते हैं, यानी 15/10 से इस बचा है, तो बच्चों बस एक अंक बाद दशमलव लगा दिए तो 1.5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 84% बराबर है। तो बच्चों ये 84 को प्रतिशत का मतलब होता है बटे में आप 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको अगर ये कटता है तो काटना पड़ेगा हमको, तो ये काट दीजिए 4 के पारा से, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 100। तो ये बच्चों 21/25 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका 21/25 है नहीं, लेकिन आपको इसको ऐसे भी लगा सकते हो 84/100। इसको आप क्या करेंगे, 2 के पारस काट दिए, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 और ये 50, तो आपका आंसर 42/50 आ जाए।
क्योंकि ये संख्या अभी दो से और डिविजिबल है, दो से और कट जाएगी तो इसको फिर दो से काटेंगे तो 21/25 ही आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 42/50 दे रहा है तो यही आंसर सही है। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से, यानी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है और दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से कितने 22 अंक प्राप्त करता है। तो बच्चों पहले टेस्ट में 18 अंक प्राप्त किए, पूर्णांक था 25 का, और जब दूसरा टेस्ट हुआ तब पूर्णांक 25 का ही था, इनको प्राप्त हुए 22 अंक। तो यहाँ पर आपको बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 18 से बढ़कर 22 अंक हुए हैं, यानी वृद्धि कितनी हुई है 4 अंक, 4 अंक की वृद्धि हुई है, और ये 4 अंक की वृद्धि हुई है वो कितने पूर्णांक पर हुई है 25 पूर्णांक। तो यहाँ बटे में आप 25 लिखेंगे। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है क्योंकि आंसर आपको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए जब भी फ्रैक्शन में भिन्न होगी तो हमने बताया था उसमें 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 25 चौको 100, तो 4 चौको 16 आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए बच्चों 4 आपके सामने लिखा है 300 का मतलब क्या होता है गुणा, और 90/ और प्रतिशत का मतलब होता है हम बटे में कितना लिखते हैं 90 का मतलब होता है गुणा 30%, यानी कि 30/100। तो बच्चों यहाँ देखिए ये दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए, तो गुणा कराएंगे 3 × 27 और एक ही जीरो 270 हो गया, और प्लस 9 × 27, आप 270 में 27 जोड़ेंगे तो 7 × 7 = 9 297, ये आपका आंसर हो जाएगा 297। नोट करें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक संगठन में 3,450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की है, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति को प्राप्त हुए। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। बच्चों कुल कर्मचारी कितने हैं 3,450, और इसमें से 42% कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है, पदोन्नत हुई है, तो हम इसका 42% निकालेंगे। बच्चों 0 0 कट जाएगा, 5 5 काटो, 5 2 10, 5 4 30 और 5 9 45, 2 से ये काटेंगे तो ये 21 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आपको 69 × 21 कराना है, 69 × 21 कराओगे तो बच्चों गुणा कैसे कराते हैं आपको पता होगा, आपको अगर पूरा पारा 21 का नहीं आता है तो आप 1 से पहले गुणा कराइए, 1 का गुणा कराएंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, गुणा लगाएंगे 2 × 18 और 2 × 6 = 12, 1 + 8 = 13, इसको जोड़ लेंगे 8 × 6 = 14, 3 × 1 = 4 और 1 = 1449 आ गया, यही आपका आंसर है, 1449 कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, यानी कि 500 उसने अंक प्राप्त करे कितने में से 725 में से, तो ये उसका ऊपर वाला प्राप्तांक हुआ और नीचे वाला क्या हुआ पूर्णांक। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ गुणा करा दीजिए 100 से। ठीक है, चलिए 5 5 काटते हैं इसको, 5 × 1 = 5, बचे 2 22 हो गए, 5 × 2 = 20 और 5 × 5 = 25, इससे काटेंगे 5 × 1 = 5, 16 कट जाएगा, फिर इसे काटो, 5 2 × 10, 5 × 2 = 45, फिर इसे काटो, 5 2 × 10, 20 बार कटेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपके सामने कितना आ गया मान 2000/
29। आपकी संख्या तो कटेगी नहीं। अब 2000 का 29 में आपको क्या लगाना है, भाग लगाना पड़ेगा। 2000 में 29 का भाग, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो 9 में, चलिए देखिए भाग लगाएंगे तो 29 का भाग जब इसमें हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 5 54, यहाँ से लगा 5, 6 2 12 5 17। तो बच्चों घटाओगे कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 26 आया। अगली संख्या उतारेंगे 0, ठीक। भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा कितने बार, 8 बार, 8 बार भाग जाएगा। तो 8 9 72, यहाँ से लगा 7, 8 2 16 16 7 23। घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 3 गया, नहीं यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाई, 280 हो गया। अब के बाद भाग जाएगा 9 बार, कितने बार जाएगा 9 बार, 9 9 81, यहाँ से लगा 8, 9 2 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 6 गए 2, अंक तक कितने ये पर्याप्त है। तो इसके सामने आपका मान आ रहा है 68.9, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर नहीं है तो आपको लगभग में आंसर देना पड़ेगा। तो लगभग में 70% आपका आंसर आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 70%, ठीक है। समझ में आया सबको, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17/25 को प्रतिशत में बदलना है तो 17/25 गुणे 100 करेंगे, 25 चौको 100 और 17 चौको 68, तो आपका 68% आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सी 1.01 की समतुल्य है। तो बच्चों 1.01 का मतलब क्या, हम लिखेंगे 101 लिखेंगे और दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, और जब किसी के बटे अगर 100 लिखा हो तो इसको हम प्रतिशत में लिखते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, 101%। तो ये आपका आंसर है। हमने आपको बताया था अगर हमें 101% को बटे में लिखना हो तो 101% हटाओ बटे में कितना हो जाता है 100, तो वही चीज़ है आपका यहाँ पहला भाग।